ये पता नहीं कभी कभी हो जाता है लैब में, जबकि लैब डॉक्यूमेंट बिल्कुल सही है, 100% स्टेप्स बिल्कुल सही है, बट आई डोंट नो क्यों ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, सो जस्ट लीव इट। अब आगे हम बात कर रहे थे लोकलाइज पॉलिसी के अंदर, ठीक है। सो लोकलाइज पॉलिसी के अंदर अब जो विवेक बात कर रहे थे कि हाउ वी आर गोइंग टू फेल ओवर इन टर्म ऑफ द लोकलाइज पॉलिसी। सो देखो, जब हम लोकलाइज पॉलिसी बनाते हैं जब भी, हमारे पास पॉलिसी के अंदर लोकलाइज पॉलिसी का ऑप्शन यहाँ पे होता है, जिसको हम टेम्पलेट के थ्रू पुश करते हैं किसी भी डिवाइस के अंदर। तो मान के चलो कि मुझे यहाँ पे बीजीपी कन्फिगर करना है, कैसे बीजीपी में कन्फिगर करूँगा। जस्ट मुझे यहाँ पे बीजीपी कन्फिगर करना है कौन से लिंक पे, मान के चलो कि मैं इस पे कन्फिगर कर देता हूँ ये वाले। तो मेरा R14 है, इसका एक इंटरफेस मैं कन्फिगर करता हूँ जिसमें बीजीपी कन्फिगरेशन करना है मुझे। सो इनेबल कन्फिगरेशन टी एंड इंटरफेस ईथरनेट 0/1 पे गया, और इस पे आईपी एड्रेस मैंने डाल दिया, इस पे आईपी नहीं लेगा, तो नो स्विच पोर्ट एंड आईपी एड्रेस 10.5.10.1 इस पे 14 लिख लिया, ठीक है। 255.255.255.0 नो शट, ठीक है। बीजीपी कन्फिगर करना तो कैसे करेंगे, राउटर बीजीपी खुद का एएस नंबर है 65005, से यहाँ पे डाल दिया 65005, नेबर नेबर होगा .1 मैं यहाँ पे कन्फिगर करूंगा, तो मैं यहाँ पे .1 डाल दिया। एंड रिमोट एएस सेम ही होगा क्योंकि हमारा आईबीजीपी चल रहा है, तो 65005 हमारा रिमोट एएस हो गया, राइट। एंड डू राइट, यहाँ पे मैंने राइट कर दिया, कन्फिग्रेशन हो गया। तो मेरा इस राउटर का तो कन्फिग्रेशन हो गया, अब मुझे करना है कन्फिग्रेशन टेम्पलेट के थ्रू ऑन BH5। तो कैसे करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले एक लैन का टेम्पलेट बनाना पड़ेगा मुझे, फीचर टेम्पलेट बीजीपी के लिए। यहाँ पे मैं एक टेम्पलेट बना लेता हूँ जिसको मुझे बीजीपी कन्फिगर करना है। हमारा इंटरफेस एक तो VPN30 बनाना पड़ेगा क्योंकि VPN30 में हमें बीजीपी चलाना है। मैं यहाँ VPN30 बना लेता हूँ, ठीक है, या मान के चलो कि VPN10 में ही बना लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, बीजीपी को VPN10 में ही बना लेते हैं, ठीक है। 30 क्यों बनाए, VPN10 के अंदर ही बना लेते हैं, 20 के अंदर बना दो, लिमिट द VPN एज ए डिफॉल्ट, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं यहाँ पे एड टेम्पलेट में गया एंड मुझे इंटरफेस की कॉन्फ़िगरेशन करनी है, तो इंटरफेस एक बना लेता हूँ यहाँ पे VPN का, और इसको लिख लेता हूँ Site 5 LAN इंटरफेस BGP के लिए हमने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है, BGP जिसमें हम चलाएंगे। आप कुछ भी नाम लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। शट डाउन नो, इंटरफेस का नेम क्या है, G0/4 क्योंकि की टाइप हम चला रहे हैं, तो G0/4 ले लेते हैं सीधा, ठीक है, GE 0/4 ये इंटरफेस नेम हो गया। डिस्क्रिप्शन BGP पियरिंग इंटरफेस, ठीक है, स्टैटिक आईपी यहाँ पे डाल दो। आईपी एड्रेस भी हम यहाँ ले लेते हैं, जो हमें करना है यह है 10.5.101.1, 10.5.101.1, ठीक है, /24, ये आईपी हो गया है। और कुछ चाहिए नहीं, इंटरनल इंटरफेस लैन का चाहिए नहीं मुझे, VRRP चलाना नहीं है, ARP करना नहीं है, कुछ नहीं करना है, एंड जस्ट सेव इट। ये आपका एक टेम्पलेट बन गया। दूसरा, इस पे BGP चलाना है तो BGP का टेम्पलेट बनाना पड़ेगा मुझे लैन के अंदर। यहाँ पे क्लाउड में गया एंड यहाँ पे BGP का टेम्पलेट बनाना है मुझे। Site 5 BGP टेम्पलेट यहाँ पे हो गया। शट डाउन नो रन एज डिफॉल्ट एस नंबर, हाँ सर, जैसे अभी हमने VPN 10 का इंटरफेस का वो बनाया है, हमने अभी टेम्पलेट, वो तो ऑलरेडी था हमारे पास, उसी को यूज नहीं कर सकते थे? तो उसी को यूज करेंगे, अभी तो हम इंटरफेस बनाया है ना, इंटरफेस का हाँ कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं बीजीपी का, हम VPN 10 का टेम्पलेट कहाँ बनाया, 30 का बनाने वाला था, मैं बनाया नहीं ना अभी तक। हाँ ओके ओके अच्छा, हाँ हाँ इंटरफेस का नहीं।
इंटरफेस का तो बनाना पड़ेगा ना आपको टेम्पलेट, नया इंटरफेस है ना, कैसे कन्फिगर करोगे, टेम्पलेट चाहिए ना इसके लिए। ओके ओके ठीक है विवेक, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे गया, एएस नंबर जो मेरा है दैट इज 65005, एक ही साइड के लिए बना रहे हैं तो यहाँ पे आप डाल दो 65005, राउटर आईडी छोड़ दो डिफॉल्ट, कोई दिक्कत की बात नहीं। अभी ये सब छोड़ दो, देखो अभी ये सब छोड़ दो, इससे कुछ नहीं करते हैं अभी, ठीक है। नेबर्स ही बना देते हैं इसका, एड्रेस क्या हो जाएगा यहाँ पे 10.101 क्या है, 10.5101 है, ठीक है 10.5.101.14, रिमोट एस डाल दो 65005, ठीक है, और इसको ऐड कर दो। और कुछ एडवांस में कुछ नहीं करना, अभी छोड़ दो, सिंपल बीजीपी पहले बनाते हैं, ये टेम्पलेट बन गए। अब डिवाइस में जाओ और यहाँ सिंगल साइड ट्रांसपोर्ट जो है इस पर क्लिक करो, इसको एडिट करो, ठीक है। एडिट करने के बाद अब मान के चलो कि सर्विस वीपीएन हमारा 10 बना हुआ है, इसी के अंदर मुझे इस इंटरफेस को कॉल करना है, तो मैं एक नया इंटरफेस दे लेता हूँ जिसके अंदर बीजीपी बनाना है, और उस इंटरफेस की कन्फिगेशन हमारा ये है, देखो साइट 5 लैन इंटरफेस, ठीक है, इसके अंदर बीजीपी चलाना है तो इसके अंदर बीजीपी के भी कन्फिगेशन आपको लेना पड़ेगा। तो बीजीपी क्या है, साइट 5 बीजीपी टेम्पलेट, दो ही चीज़ बनाया था हमने, इसको अपडेट कर दो, वीपीएन 10 के अंदर ही आ गया, देखो अब हमने नया वीपीएन नहीं बनाया। और यहाँ पे आप जाओ, जाने के बाद नेक्स्ट, यहाँ पे नेक्स्ट, कॉन्फ़िग साइड बाई साइड डिफरेंस देख लो, यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि यहाँ पे आपका नीचे देखो ये रहा बीजीपी की कॉन्फ़िगरेशन, आप ये बीजीपी कर रहे हो, ये इंटरफेस की कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हो, यही कॉन्फ़िगरेशन हमने किया है, सो कॉन्फ़िग कर दो डिवाइस पे, जैसे ही करोगे अगर ये कॉन्फ़िग पुश हो जाएगा तो अगर सब कॉन्फ़िगरेशन सही होगी तो बीजीपी कॉन्फ़िगरेशन आपकी अप आ जाएगा। तो ये हो गया आपका, अब यहाँ पे जाओगे अगर देखो आपकी बीजीपी अप आ गई, यहाँ पे क्लियर दिख रहा है आपका बीजीपी अप आ गई। अगर VH5 पे भी जाओगे अगर देखोगे, इसको ऊपर खोल लेता हूँ, इसको भी ऊपर खोल लेता हूँ, सो बीजीपी समरी, सो देखो यहाँ पे आपका बीजीपी एस्टेब्लिश्ड हो गई, देख रहे हो, बट ये वाली बीजीपी क्यों डाउन चली गई, आई डोंट नो, ये बीजीपी डाउन है आपके, तो यहाँ पे कंट्रोल कनेक्शन भी डाउन है क्या, शो कंट्रोल कनेक्शंस अप है, शो ओएमपी पीयर्स ये तो अप है, सो बीजीपी समरी में डाउन क्यों दिखा रहा है, चलो अभी इसको देखते हैं क्यों डाउन दिखा रहा है ये वाला, बट हमारा ये वाला प्रीफिक्स ए बीजीपी नेबर से हमारी अप आ गए। इसको अप आने के बाद अब दूसरा स्टेप क्या है आपका कि इस पे से एक बार देखते हैं क्या स्टेटस है यहाँ से बीजीपी का, सो आईपी बीजीपी समरी, ये एक्टिव है यहाँ जो आप दिखा रहा है सारा, ये है ना 5.15.5, ये तो आप है, हाँ पिंग पिंग भी हो रहा है, शो आई बीजीपी समरी पाइप इनपुट, आप तो यहाँ पे राउट मिल रहा है, शो आई बीजीपी नेबर, देखते हैं क्या रिसीव राउट, नहीं राउट से मिल रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो ये तो ठीक है, बट यहाँ पे क्यों दिखा रहा है, तो बीजेपी समरी
VPN 0 आइडल पिंग पिंग भी हो रहा है, पता नहीं कुछ फनी सा आउटपुट दिखा रहा है। आई थिंक आज कुछ सही से बिहेव नहीं कर रहा, बीजेपी वहां पे अप दिखा रहा है, यहाँ पे डाउन दिखा रहा है VH5 के लिए, पता नहीं क्यों। ठीक है, बट हमारा जो काम था यहाँ बीजेपी से हो गया। सो VH5 पे हमारा बीजेपी आ गया। अब R14 से हम जाके एक राउट को एडवर्टाइज करते हैं बीजेपी के अंदर। तो देखो अभी 100 सेक्शन बीजेपी अगर चलाते हो तो ये बीजेपी है। अब इसके अंदर मैं एक लूप बैक एडवर्टाइज करता हूँ बीजेपी से यहाँ से। तो चलो 114 का लूप बैक बना लेते हैं यहाँ पे, 114 का नया लूप बैक बना लेते हैं। तो इंटरफेस लूप बैक 114, ठीक है। इस पे आईपी एड्रेस मैं डालता हूँ 114.114.114.114 255.255.255.255 no shut, ठीक है। सही, मैंने एक आईपी एड्रेस डाल दिया यहाँ पे। अब इस आईपी एड्रेस को मुझे बीजेपी में एडवर्टाइज करना है। तो राउटर राउटर बीजेपी हमारा 65005, नेटवर्क कमांड हमारा हो गया ये, मास्क हो गया हमारा ये, ठीक है, एंड्रू राइट। सो अभी ये राउट आपका यहाँ पे मिल रहा होगा, शो बीजेपी समरी। देखो एक राउट इंस्टॉल आ गया यहाँ पे। अब ये राउट आपको बीजेपी टेबल में तो मिल रहा है, शो आईपी राउट अगर आप देखोगे। सो ये राउट आपको 114 का बीजेपी टेबल से मिल रहा है, ये वीपीएन 10 के अंदर राउट आ रहा है। बट ये राउट कहीं भी साइट पे अगर देखोगे यहाँ पे तो ये बाई डिफॉल्ट नहीं आ रहा होगा, रिडिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा होगा, ठीक है। सो अगर आप यहाँ देखोगे, लेट मी शो क्या हो गया इसको, एडमिन एडमिन शो आईपी राउट। तो 114 का राउट इसमें कहीं नहीं है, देख रहे हो आप, 114 का राउट इसमें नहीं आ रहा VPN 10 के अंदर। ये VPN 10 का ही राउट देख लो, क्योंकि VPN 10 से वहां आ रहा था, VPN 10 के अंदर भी डिफॉल्ट आएगा ना। तो यहाँ पे 114 का राउट नहीं आ रहा, 14 का आ रहा। तो क्यों नहीं आ रहा? बाय डिफॉल्ट बीजेपी के राउट आपका ओएमपी में रिडिस्ट्रीब्यूट नहीं होते हैं, बाय डिफॉल्ट वो एसकेप होते हैं, कनेक्टेड हो जाता है, स्टैटिक हो जाता है, बट बीजेपी के नहीं होता। तो कैसे रिडिस्ट्रीब्यूट करेंगे? तो उसको रिडिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आपको यहाँ पे कमांड लिखना पड़ेगा कि जो राउट यहाँ पे आ रहा है आपका VH5 पे बीजेपी से लर्न हो रहा है, उसको ओएमपी में रिडिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे। तो आपको जाना पड़ेगा यहाँ पे, आप यहाँ पे आओ बीजेपी टेम्पलेट के अंदर। देखो जो आपने बीजेपी कन्फिगर किया था यहाँ पे कहीं पे किया था आपने ना, लास्ट मॉडिफाई, ये बीजेपी टेम्पलेट आपने जो किया था, इस पे आप खोलो। खोलने के बाद आप इसके नीचे आओ और यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब आते हो तो आपको ऑप्शन मिलता है रिडिस्ट्रीब्यूट का। तो रिडिस्ट्रीब्यूट का जो ये टेम्पलेट है यहाँ पे, तो इसके अंदर आपको बीजेपी के अंदर आप ओएमपी को रिडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, ओएसपी को कर सकते हो। तो ये आपका ओएमपी के राउट को बीजेपी के अंदर लेना है तो ले सकते हो, लेकिन ओएमपी के अंदर बीजेपी को रिडिस्ट्रीब्यूट करना है तो आपको यहाँ पे एक नया ओएमपी का टेम्पलेट बनाना पड़ेगा। सो आपको एक नया टेम्पलेट बनाना पड़ेगा ओएमपी का, तो ओएमपी का टेम्पलेट हमारे पास है नहीं। तो कैसे बनाएंगे, देखो यहाँ पे जाओ और ओएमपी का टेम्पलेट बनाओ, ठीक है, और ओएमपी टेम्पलेट। इस ओएमपी टेम्पलेट के अंदर आपको बीजेपी को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जाओ नीचे, कुछ मत करो, यहाँ पे एडवर्टाइज यहाँ पे है, देखो यहाँ एडवर्टाइज आपको बीजेपी ऑन कर दो यहाँ से, ठीक है, और इसको सेव कर दो। आप बाई डिफॉल्ट नहीं होता है बट आपका बीजेपी ऑन कर दिया। अब आपका ओएमपी का टेम्पलेट बन गया, देखो आपका ओएमपी का टेम्पलेट एक ही मिलेगा यहाँ पे, बन गया। अब इसको जाओ डिवाइस में लेकर, ये सिंगल साइट है, इसको एडिट करो, ठीक है, और इसके अंदर ओएमपी के अंदर जाओ, ओएमपी का जो टेम्पलेट बनाया है इसको कॉल कर लो यहाँ पे। देखो ओएमपी के अंदर आपने बीजेपी को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, इसको अपडेट करो। अब जैसे ही अपडेट करोगे तो आपके बीजेपी के राउट्स यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होने लगेंगे। हो गया। अब यहाँ पे जाओ VH पे दोबारा से एंड ट्राई टू सी कि क्या हमारे पास राउट आए। देखो 114 का राउट आ गया ओएमपी से, आ गया ना, पहले नहीं आ रहा था बट अब आने लगा।
तो ये तो हो गया आपका, जो बीजीपी का राउट पीछे से आया उसको ओएमपी में आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब देखो वीपीएन 10 के अंदर आपका ओएसपीएफ चल रहा है, एक स्टैटिक राउट चल रहा है, यहाँ पे ध्यान से समझो आप। अब यहाँ पे अगर जाते हैं शो आईपी राउट, अगर देखता हूं मैं तो मेरे पास ओएसपीएफ से राउट मिल रहे हैं जो अलग अलग सबनेट के हैं, तो मैं इस पे जाकर ना ओएसपीएफ नेबरशिप डाउन कर दे रहा हूँ, कौन सा इथरनेट 1/2। सो यहाँ पे मैं एक सेकंड मुझे देना आप लोग, एक कॉल आ रहा अभी, एक सेकंड आप लोग मुझे देना बस। ठीक है, सो अब मुझे यहाँ पे क्या करना है कि मुझे यहाँ पे ओएसपीएफ की जो राउट है इसको मुझे बंद करना है, ताकि मैं बीजीपी के थ्रू जो मेरे बीपीएन 10 का राउट है उसको मैं लेना चाहता हूँ। तो मेरा ओएसपीएफ की पेयरिंग 1/2 के साथ है, मैं इसको बंद करता हूँ, इंटरफेस इथरनेट 0/2 इसको मैंने शट कर दिया। अब देखो जैसे शट किया मेरे पास शो आईपी राउट, ये राउट मेरे मिलने बंद हो गए, देखो कोई भी नहीं है। तो अगर मुझे रिमोट साइट पे जाना है तो मुझे ओएमपी से राउट सारे मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं, ओएमपी से राउट सारे मिल रहे हैं, सारे रिमोट साइट देखो सारे राउट मिल रहे हैं, बट ये राउट मेरे पास पीछे नहीं आ रहे हैं, इस राउटर पे नहीं आ रहे हैं, बीजीपी के थ्रू नहीं आ रहे हैं, क्योंकि आपने ओएमपी को बीजीपी मेरे डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है, आपने बीजीपी को एमपी मेरे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। तो ये राउट 14 वाला आपका 114 वाला यहाँ से यहाँ पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया, अगर VH4 पे भी देखोगे यहाँ पे तो यहाँ भी राउट ही मिलेगा आपको, देखो यहाँ भी देखो आप, तो ये हर जगह राउट पहुंच गया आपका। सो एडमिन एडमिन शो आईपी राउट बीपीएन 10, 114 का राउट पहुंच गया ना यहाँ पे, बट इसके जो खुद के राउट है 4.15 वाला, ये आपका इस VH5 तक तो आ रहा है लेकिन फर्दर VH5 से नीचे नहीं जा रहा है इस R14 पे। तो कैसे रिडिस्ट्रीब्यूट करेगा OMP टू BGP? सो OMP राउट को आपको BGP में रिडिस्ट्रीब्यूट करना है, तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा BGP के टेम्पलेट में जो हमने बनाया है। तो OMP में हमने BGP को रिडिस्ट्रीब्यूट किया, अब हमें BGP के अंदर OMP को रिडिस्ट्रीब्यूट करना है। तो यहाँ पे जाओ और यहाँ पे जो आपने BGP का टेम्पलेट बनाया था इसको खोलो, कौन सा है ये BGP टेम्पलेट है, ये वाला, ये इंटरफेस का नहीं है, ये वाला, इसको ओपन करो। ओपन करने के बाद आप यहाँ पे एडवांस में जाओ, जाने के बाद सॉरी यहाँ पे नेबर्स में, एंड ये देखो ये रहा यूनिकास्ट स्टेटस फैमिली, इसके अंदर रिडिस्ट्रीब्यूट दिख रहा है यहाँ पे, सो न्यू रिडिस्ट्रीब्यूट पे क्लिक करो और यहाँ पे प्रोटोकॉल किसको बीजीपी के अंदर, तो हम ओएमपी को रिडिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो ओएमपी लिख दो यहाँ पे, इसको ऐड कर दो और इसको अपडेट कर दो, बस इतनी कमांड करनी है आपको। नेक्स्ट करो इसको और आपको यहाँ पे हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे होने के बाद अब आपको क्या करना नेक्स्ट, अब यहाँ पे आपके कॉन्फ़िगरेशन हो गए, अब यहाँ पे जाओ राउट देखो, यहाँ पे दोबारा से देखो सारे बीजीपी से राउट आने लगे, रिमोट साइट्स के आने लगे ना आपके, देखो यहाँ पे 4K भी आने लगे, 3K भी आने लगे, सारे 20 राउट आने लगे, तो आपका बीजीपी टू ओएमपी, ओएमपी टू बीजीपी राउट सबका हो गया। सो ये तो नॉर्मल रिडिस्ट्रीब्यूशन हुआ, कैसे हम ओएमपी के राउट बीजीपी में लेते हैं, बीजीपी के राउट ओएमपी में लेते हैं, जो आप लोगों को पता होना चाहिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो ओएमपी के अंदर कैसे टेम्पलेट मैंने बनाया आप लोगों ने देखा, बहुत ईजी था ओएमपी का टेम्पलेट बनाना, बाय डिफॉल्ट अगर CLI में देखोगे अगर यहाँ पे आप, तो देखो इस तरीके से दिखेगा OMP के कॉन्फ़िगरेशन के अंदर देखोगे तो एडवर्टाइज BGP आ गया, पहले ये नहीं था, मैंने ऐड कर दिया तो एडवर्टाइज BGP आ गया। अब अगर आप इसके अंदर देखोगे VPN 10 के अंदर, तो यहाँ पे देखो आपने एडवर्टाइज डिस्ट्रीब्यूट OMP कर दिया BGP के अंदर आपने, तो वाइस वर्सा कर दिया, OMP के अंदर आपने BGP को कर दिया और BGP के अंदर आपने OMP को कर दिया, तो आपका म्यूचुअल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया और आपका ट्रैफिक एंड टू एंड जाने लगा। अब जो मेरा राउट आ रहा है सो आईपी राउट VPN 10 114 114 114 114, अब देखो ये राउट आ रहा है, या इसको दूसरे तरीके से देखें अगर हम,
शो बीजीपी राउट वीपीएन 10। तो देखो ये राउट जो आ रहा है आपका वीपीएन 10 के अंदर, एक मिनट, कौन सा राउट हम देख रहे हैं, मेरे को देखना है 114 वाला, ठीक, ये वाला देखो। देखो इस पे आपका लोकल प्रेफरेंस क्या आ रहा है, बाय डिफॉल्ट 100 लग के आ रहा है, बट आपके साथ ऐसा हो सकता है कि इस राउट को आप जब रिसीव करते हो तो ये राउट आपका हो सकता है कि दो नेबर से रिसीव हो रहा हो, एक नेबर ये हो और एक नेबर ये हो, तो दोनों को आप लोकल प्रेफरेंस 100 से मिल रहा है, तो आप चाहते हो कि मेरा ये 200 से मिले और इसको मैं प्रेफरेंस करूं, तो लोकल प्रेफरेंस कैसे हम मैनिपुलेट करते हैं, इस बात कैसे हम मैनिपुलेट करते हैं, ये भी हमें सीखना है, ठीक है। सो हमें लोकलाइज पॉलिसी करना पड़ेगा, कन्फिगर करना पड़ेगा। मैं एक सिंपल से एग्जांपल दिखाता हूँ कि जैसे ये लोकल प्रेफरेंस 100 आ रहा है, इसको मैट्रिक घटाना है, वेट घटाना है, ओरिजिन एज पाथ करना है, तो कैसे करेंगे, क्या करना पड़ेगा मुझे। तो देखो जब तक बीजीपी डोमेन में रहोगे तब तक तो आपको सारे एट्रीब्यूट्स काम करेंगे, तो लोकल टू लैन ही आपके सारे एट्रीब्यूट काम करेंगे, समझो मेरी बात को, कि अगर इसके पीछे आप जो भी मैनिपुलेशन करना चाहते हो करेगा, जैसे ही आपने इसको ओएमपी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो सारे एट्रीब्यूट आपके खत्म हो जाएंगे, ये राउट आपको ओएमपी बन जाएगा, तो आपका ना एस पाथ काम करेगा, ना वेट काम करेगा, ना लोकल प्रेफरेंस काम करेगा, ना मैट्रिक काम करेगा, ना ओरिजिन काम करेगा, क्योंकि आप जैसे रिडिस्ट्रीब्यूट करते हो एक राउटिंग प्रोटोकॉल दूसरे राउटिंग प्रोटोकॉल में, तो उसकी जितनी भी प्रैक्टिस होती है वो सब गो अवे हो जाती है, और आपको सिर्फ आपको ओएमपी के थ्रू ही आपको करना पड़ेगा। तो आप मैनिपुलेशन सिर्फ लैन में ही कर सकते हो, वैन में नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप जैसे रिडिस्ट्रीब्यूट करोगे तो आपका बीजीपी राउट ओएमपी बन जाएगा, तो ओएमपी के एट्रीब्यूट वहां पे काम करेंगे, ना कि बीजीपी पे काम करेंगे। इसी तरीके से जो राउट आप यहां से रिसीव कर रहे हो, इसको जैसे ही आप इधर सेट किया आपने, तो ये आपका जैसे यहाँ पे देखो बीजीपी से राउट क्या मिल रहे हैं आपको, R14 पे अगर देखोगे आप, तो 100 IP बीजीपी, अगर मैं इस सबनेट को देखता हूँ जो रिमोट साइड से मिल रहा है, जैसे 13 वाला कहीं होगा ये वाला, देखो देखो इस पे आपका क्या लग के आ रहा है, इस पे आपका लग के आ रहा है लोकल प्रेफरेंस 50 लग के आ रहा है, देख रहे हो आप मैट्रिक ये लग के आ रहा है, कोई इस बात लग के नहीं आ रहा है इस पिक्स पे, ऐसे ये वाला देखो 15 का देखो आप, सो आईपी बीजेपी, तो इसके लिए हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, इसको हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, इस पे भी देखो आपका मैट्रिक लोकल प्रेफरेंस 100 लग के आ रहा है, तो कैसे मैनिपुलेट करेंगे, देखो आप हमें करना क्या पड़ेगा कि आपको यहाँ जाओ, यहाँ पे पॉलिसी के अंदर लोकलाइज पॉलिसी में जाओ, जाने के बाद आप यहाँ पे ऐड पॉलिसी करो, ठीक है। ऐड पॉलिसी करने के बाद यहाँ पे आप प्रीफिक्सेस बना सकते हो, जैसे डेटा प्रीफिक्स मैं बना लेता हूँ कुछ कुछ, जैसे 13 का बना हुआ है तो मैं एक 15 का ही बना लेता हूँ, ठीक है, तो लूप बैक 15, ताकि हम कुछ कुछ मैनिपुलेशन करना हो तो कर सकें, जैसे कुछ आपको दिखाना है तो दिखा सको, /20 32, ठीक है, ये हो गया। तीसरा मैं 114 लूप बैक ले बना लेता हूँ, ताकि इन पे लूप बैक 114, यहाँ पे 114 114 114 sorry /32, ये तीन लूप बैक बनाया लैन को और वैन के लिए। अब बाकी छोड़ दें डिफॉल्ट, इसको नेक्स्ट करो आप, इसके पीवीएस मैप में कुछ नहीं करना है, आप आ जाओ नेक्स्ट, ठीक है, एक्सेस पॉलिसी में भी कुछ नहीं करना, आ जाओ नेक्स्ट, ऐड राउट पॉलिसी यहाँ पे एक ऑप्शन है, ठीक है। इसके पीछे के तीनों पॉलिसी हमारे लिए यूजलेस हैं, हमें एक्सेस लिस्ट क्यूएस नहीं बनाना है, पॉलिसी रीराइट नहीं करना है, हमें कोई ACL नहीं बनाना है, कोई पूछे था एक्सेस लिस्ट कैसे बनाते हैं, तो यहाँ से एक्सेस लिस्ट हम बना सकते हैं, तो ACL भी नहीं बनाना है कुछ, हमें अलाउ भी कुछ ब्लॉक भी नहीं करना, अगर बनाना चाहे तो भी बना सकते हैं, हमें क्या करना है कि जस्ट हैव टू क्रिएट द राउट पॉलिसी, तो क्रिएट राउट पॉलिसी। अब यहाँ पे बीजीपी पाथ मैनिपुलेशन मैनुपुलेशन, सो यहाँ पे हमें बीजीपी पाथ मैनुपुलेशन करना है, सो आई कैन जस्ट सिंपली से, सो बीजीपी पाथ मैनुपुलेशन सीक्वेंस में जाओ यहाँ पे, ठीक है। अब देखो ध्यान से यहाँ पे, अब ये क्या बोलता है, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, एड्रेस है आपके पास, कम्युनिटी है, ठीक है, एक्सटेंडेड कम्युनिटी है, बीजीपी लोकल प्रेफरेंस है, मैट्रिक है, नेक्स्टॉप है, आपके पास पीयर्स है, टैग्स है, बहुत सारे ऑप्शन, तो मैच क्राइटेरिया में आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं, तो आप यहाँ पे बहुत सारी चीजें मैच कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैच यहाँ पे एड्रेस को करता हूँ, एड्रेस में आपके पास प्रीफिक्स लिस्ट में आपको यहाँ पे नहीं कुछ दिखा रहा, तो मैं यहाँ पे डेटा प्रीफिक्स लिस्ट में जो बनाया था उसके जगह नया प्रीफिक्स लिस्ट बना लेता हूँ,
जैसे लुकबैक 15 के लिए एक्चुअली हमें बनाना चाहिए परफेक्टली इसके अंदर एड्रेस के, तो लुकबैक 15 बना लिया यहाँ पे, इसके अंदर मेरा एक 15/32 का एक एड्रेस हमारे पास हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास एक प्रीफिक्स लिस्ट हो गया लुकबैक 15 का। एक और बना लेता हूँ मैं, तीनों बना लेता हूँ यहीं से, चाहे मैं पीछे से बना सकता था, तो लुकबैक 13 का बना लेता हूँ एक, 13/32 का। तो एक तीसरा मुझे बनाना है अपने उसके लिए लुकबैक 14 के लिए, तो एक और बना लेता हूँ ताकि हम इस पर कुछ मैच कर सकें। लुकबैक 114 इसका एड्रेस हो जाएगा 114/114/114/132, ठीक है। यहाँ पे हो गया सेव, तो ये तीनों प्रीफिक्स लिस्ट हमने बना दिया। अब यहाँ पे देखो एड्रेस, तो पहला मैं, चलो मैं एड्रेस इसको 13 वाला मैच कर लेता हूँ। मैं बोलता हूँ कि जब प्रीफिक्स मैच करे तो बस प्रीफिक्स मैच करे तो मुझे क्या एक्शन लेना है, मुझे इसको एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करने के साथ मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ इस पर AS पाथ प्रिपेंड कर दूँ। कितना टाइम प्रिपेंड कर दूँ, मैं चाहता हूँ देखो अभी ये प्रीफिक्स यहाँ पे आ रही है 13 वाली, तो इस पर कोई AS पाथ नहीं लगा हुआ आ रहा है। देखो डिफॉल्ट AS पाथ लग के आ रहा है जो इसका 1 होता है, अभी कोई भी AS पाथ इस पर लग के नहीं आ रहा। तो मैं इसको जो BGP का हमारा AS पाथ प्रिपेंड में चाहता हूँ वो मैं कुछ यहाँ पे ऐड करता हूँ, 65003, एक तो ये करना चाहता हूँ इसको ऐड, ठीक है। एक तो ये हो गया, दूसरा इस पर्टिकुलर प्रीफिक्स के ओके लेट मी सी कैसे किस फॉर्म में लेगा ये, सही तो डाला मैंने, सिक्स फाइव जीरो जीरो फाइव हमने इंक्लूड कर दिया। लेट मी जस्ट सी, एक तो कंडीशन हमने डाल दिया कि इस पे हमें लुकबैक जैसे ही मैच करे उस पे AS पाथ प्रिपेंड करो। दूसरा मैं एक बना लेता हूँ कि इस पर्टिकुलर प्रीफिक्स का जैसे ही मैच करे तो इस पे मुझे लोकल प्रेफरेंस भी सेट करना है। तो चलो एक ही में बना लिया मैंने, लोकल प्रेफरेंस मुझे सेट करना है इस पे। बाय डिफॉल्ट अभी मान के चलो कि आ रहा है मेरे पास कितना 50 आ रहा है, इसको मैं 500 करना चाहता हूँ। तो दो चीज़ें मैं इस पे सेट कर दिया, एक मैं हटाता हूँ इसको, एक ही कंडीशन है मेरा हो गया दोनों चीज कि मैंने लोकल प्रेफरेंस भी सेट कर दिया और मैंने AS पाथ प्रिपेंड भी कर दिया, ठीक है। एक कंडीशन और भी, अगर कुछ कम्युनिटी सेट करना है तो भी कर सकता, मैट्रिक सेट करना तो कर सकता, अभी मैं एक ही करता हूँ, ठीक है। तो मैंने ये बना दिया। दूसरा एक प्रीफिक्स बनाता हूँ मैं, अरे यार कहाँ गया वो, एक मिनट, क्या हो गया, बीजीपी मैनू मैनिपुलेशंस, ठीक है। सो ये मेरा बीजीपी मैनिपुलेशंस हो गया, एक दोबारा गया यहाँ पे एड्रेस 113 के लिए हम बात कर रहे थे, तो एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करने के बाद लोकल प्रेफरेंस मैंने यहाँ पे 500 सेट कर दिया, ठीक है। AS पाथ इस पर प्रिवेंट कर दिया मैंने, ये 65003 इंक्लूड भी कर दिया, खुद का AS नंबर यहाँ पे सेव कर दिया, ठीक है। एक कंडीशन मैंने डाला, दूसरा कंडीशन मुझे डालना है कि मेरा प्रीफिक्स एड्रेस मैच करे ये वाला। तो इसके लिए मैं चाहता हूँ कि मेरा लोकल प्रेफरेंस जो है वो सेट हो जाए। अभी बाय डिफॉल्ट इस पे देखो BH5 पे इसके लिए 100 आ रहा है, तो इसको मैं 200 करना चाहता हूँ। सो लेट मी सी कैसे होगा 200, सो मैं यहाँ गया, यहाँ पे 200 मैंने कर दिया लोकल प्रेफरेंस। दो ही भी बनाते हैं एंड द डिफॉल्ट एक्शन में इस पे जाकर इसको मैंने
एक्सेप्ट करके ओके कर दिया, सेव किया पॉलिसी को एंड नेक्स्ट किया, और यहाँ पे बीजीपी मैनिपुलेशन के नाम इसको डाल दिया। ठीक है, देखो कुछ इस तरीके की पॉलिसी आपको दिखेगी। ठीक है, क्या गड़बड़ गया है इसमें? सही तो बताया बनाया हमने। इनवैलिड फील्ड आर फ्रेज डेफिनेशंस, ये क्या रहा यार? एक मिनट पहले इसको मैं हटाता हूँ। लिमिट, लेट मी जस्ट क्रिएट अगेन। पता नहीं क्या एरर आ रहा आज, कुछ कोई कोई क्लासेस अच्छी नहीं होती हैं। सो यहाँ पे दिन प्रीफिक्स बना दिया मैंने, कोई दिक्कत की बात नहीं, यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं, प्रीफिक्स का तीनों सही है। दिक्कत क्या आ रहा है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा आज, सारी ऐसे क्यों हो रहा है? एड पॉलिसी क्रिएट बीजीपी पाथ मैनुपुलेशन, ठीक है, लेट मी जस्ट क्रिएट वन। पहले ही बनाते हैं, लेट मी सी क्या होता है, एरर क्यों दे रहा है। देखो ले लिया अभी बिल्कुल। पता नहीं क्या चक्कर है। ठीक है, अभी देखो सही हो गया। लेट मी ऐड वन मोर कॉपी हियर। ठीक है, अराउंड पॉलिसी में गया, एक मिनट। सो अभी मुझे लोकलाइज पॉलिसी में जाना पड़ेगा यहाँ से, एंड राउट पॉलिसी में एक और इसमें एंट्री ऐड कर देता हूँ। सो यहीं से मैं ऐड कर देता हूँ एक और एंट्री, और प्रीफिक्स में डाल देता हूँ 13 का, एंड इस पे भी मैं लोकल बेसिस का हमने 500 डाला था, एंड चलो अभी लोकल में डाल देते हैं, एंड सेव राउट पॉलिसी हो गया सेव। लेट मी जस्ट ट्राई वन मोर टाइम, इस बात ऐड करता हूँ, लेट मी सेव। जीरो जीरो थ्री सिक्स फाइव जीरो जीरो थ्री सिक्स फाइव जीरो जीरो थ्री सिक्स फाइव जीरो जीरो फाइव ले लिया, एंड व्यू पॉलिसी ये रहा। ठीक है, सो नाउ वी आर गुड, लेट मी जस्ट सी द पॉलिसी। ये पता नहीं क्या दिक्कत है, प्रीव्यू करोगे तो देखो कुछ इस तरीके की पॉलिसी आपकी बन गई, जैसे आप बनाते हो ना वैसे ही बन गए, कि ये इसका प्रिंट भी कर रहे हैं, लोकल प्रेस भी सेट कर रहे हैं, सेम चीज। अब इसको पॉलिसी को आपको अप्लाई करना है। सो इस पॉलिसी को अप्लाई करना है तो आपको जो ये पॉलिसी का नेम है आपको ये कॉपी करना पड़ेगा सेम टू सेम, एंड जस्ट गो आपके टेम्पलेट में जाना पड़ेगा जो आपके साइट फाइव का टेम्पलेट है। सो यहाँ पे मैं गया सिंगल साइट टेम्पलेट के अंदर, एंड जाने के बाद ये बीजेपी के जो कम है इसको हमें इधर से भेजना पड़ेगा। अभी तक जो भी कॉन्फ़िगरेशन किया वो साइट फाइव पे गया नहीं होगा, अगर देखोगे शो रन मैनिपुलेशन के जो टेम्पलेट है गया नहीं होगा साइट पे। तो अभी हमें इसको
टेम्पलेट को पुश कर देंगे, चला जाएगा साइट पे जो भी पॉलिसी है। लेकिन जाने के बाद भी ये पॉलिसी ना आपको अभी इफेक्ट में नहीं आएगा, मैं बताता हूँ क्यों नहीं आएगा। देखो क्या कॉन्फ़िगरेशन हो गया, अभी देखो आप राउटर पे कॉन्फ़िग डिफरेंस साइड बाय साइड देखो, ये आप बना रहे हो, नहीं ये नहीं है सॉरी, ये भी नहीं है, हाँ ये बना रहे हो आप, जो सारा कुछ लोकल प्रेफरेंस वगैरह सेट कर रहे हो ये कर रहे हो आप, ये QoS का हट जाएगा। तो अभी इसको कॉन्फ़िगर करते हैं, अभी फेल क्यों हुआ, ओके सो हमने जो हमारा जो टेम्पलेट बनाया था पहले, हमने डिवाइस टेम्पलेट बनाया था, यहाँ फीचर जो QoS का टेम्पलेट हमने बनाया था साइट 5 के लिए इंटरफेस का, तो उसको मुझे हटाना भी पड़ेगा तभी जाके टेम्पलेट अप्लाई होगा, जब तक नहीं हटाएंगे तब तक वो काम होगा नहीं। तो हमने टेम्पलेट हटाना पड़ेगा जाकर जो पहले QoS का पड़ा हुआ था। सो सिंगल साइट MPLS टेम्पलेट, इसके अंदर हमने QoS का टेम्पलेट डाला था, वो हमने अभी टेम्पलेट हटाया तो इंटरफेस से कॉन्फ़िगरेशन भी हटानी पड़ेगी, नहीं तो वो एरर देगा बार बार, आपकी कॉन्फ़िग लेगा नहीं। तो यहाँ पे QoS का जो टेम्पलेट डाला डाला था हमने ये वाला, इसको मुझे डिफॉल्ट करना पड़ेगा एन अपडेट। ऐसा क्यों सर, QoS तो रहनी चाहिए ना सर, QoS का इससे क्या लेना है? तो QoS इसलिए कि टेम्पलेट आप एक ही अप्लाई कर सकते थे, आप फिर आप QoS के अंदर ही हमें जो बनाना चाहिए था, फिर जो टेम्पलेट था QoS एक्सेस लिस्ट पॉलिसी सब एक ही साथ बनाना चाहिए था, तब वो जाके सब ओके कुछ एक साथ होता। आप अलग अलग बना रहे हैं ना अलग अलग टेस्टिंग, तो मुझे एक ही टेम्पलेट बनाना पड़ता है, उसमें QoS भी डालना पड़ता है, BGP भी, एक्सेस लिस्ट भी, तो जाके लेता वो। ओके हाँ तो इसलिए नहीं ले रहा है। सो टेम्पलेट के अंदर गया दोबारा से एडिट के पास, देखो अब यहाँ BGP के दोबारा ट्राई करते हैं, लेमेसी SD-WAN सीखना एक तपस्या है पढ़ना और पढ़ाना दोनों भी, बहुत पेशेंस चाहिए इसके लिए। बहुत ज्यादा। हाँ बहुत ज्यादा पेशेंस चाहिए, मतलब सबकी बस की बात नहीं है, मैं अच्छे अच्छे लोगों को जानता हूँ, दे ऑलवेज लाइक कि मतलब पता नहीं तुम क्या करते हो ऐसा ऐसा बोलते हैं लोग यार। तो सर सिस्को में भी 80% बंदे तो बस हवा हवाई में आते, लॉक्स लेते चले जाते, मैं मुझे पता है ना बहुत कि बहुत कम लोग हैं जो कि सॉल्यूशन देते। हाँ डीप में जाना ना बहुत आसान नहीं होता, देखो छोटी छोटी प्रॉब्लम होती है ये सब कर करते इतना चीजें हैं, कितना याद रखोगे आप याद नहीं कर सकते कॉन्सेप्ट। यहाँ पे देखो पुश हो गया, अभी अभी भी हुआ लेकिन इट इज नॉट गोइंग टू इफ कम इन इफेक्ट, हमने कर तो दिया बट ये अभी भी इफेक्ट में नहीं आएगा। देखो यहाँ पे शो रन में जाओगे तो BGP कॉन्फ़िगरेशन आपके आ गए, यहाँ पे देखो आ गया, यहाँ पे BGP पाथ मैनिपुलेशन सब कुछ आ गया, लेकिन ये BGP के अंदर अप्लाई तब होगा जब इसके अंदर पॉलिसी अब अप्लाई करोगे नेबरशिप के अगेंस्ट तब। तो पॉलिसी कैसे अप्लाई करोगे, तो अब देखो यहाँ पे पॉलिसी अप्लाई करने के लिए बेसिकली आपको करना क्या पड़ेगा कि आप जाओ यहाँ पे फिर से BGP का जो टेम्पलेट आपने बनाया था उसके अंदर आप जाओ और BGP टेम्पलेट के अंदर इस पॉलिसी को आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये BGP टेम्पलेट है, जैसे QoS का हमने अप्लाई किया था ना वैसे ही इसके पॉलिसी के अंदर जाकर अप्लाई करना पड़ेगा। तो मुझे यहाँ गया एंड पॉलिसी का नाम भी हमें पता होना चाहिए, तो यहाँ पे एडवांस में जाओ आप, देखो ये रहा। सर ऐसे होगा, अभी हमने रूट बनाया, रूट मैप को हम जो नेबर के साथ कॉल करते थे उस तरह से करना पड़ रहा है वही सर। वही वही देखो ये देखो ना एडवांस में गए, ठीक है जैसे नेबर बनाया ना, तो एडवांस में जाने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन होगा, 1 मिनट 1 सेकेंड,
एड्रेस फैमिली कहाँ पे है? यूनिकास्ट डिस्ट्रीब्यूशन का है, क्रिकेट का है, नेवर का है, इसमें एक राउट पॉलिसी का होगा ऑप्शन। सो यहाँ पे आप, अच्छा यहाँ पे एड्रेस फैमिली ऑन करना पड़ेगा आपको। देखो जब तक इसको ऑन नहीं करोगे तब तक ऑप्शन नहीं आएगा, तो ग्लोबल में जाओ, इसको ऑन करो। जैसे ही ऑन करोगे देखो एड्रेस फैमिली आ गया, इस पे डालो आईपीवी फॉर यूनिकास्ट। अब यहाँ पे आपको राउट पॉलिसी का ऑप्शन आ गया जो पहले नहीं आ रहा था, तो आपको इनमें भी लगाना है, इनमें से लगाना है कि इधर का राउट जाएगा तो इसको मैनिपुलेट करना और इधर का राउट जाएगा तो इस पे मैनिपुलेट करना, दोनों साइड मुझे करना है। तो मुझे इनमें भी लगाना है आउट में लगाना है, तो मैं यहाँ पे गया इनमें, क्या है पॉलिसी का नाम, ये वाला मैनिपुलेशन, ठीक है। आउट में भी यहाँ पे गया और यहाँ पे आउट में लगा दिया। तो ये सब चीजें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। अब यहाँ पे इसको अप्लाई करो, अप्लाई करो, अपडेट करो। तो जैसे बीजेपी के अंदर आप इन आउट पॉलिसी लगाते हो ना, सेम चीज है, बट यहाँ पे थोड़ा सा इंजीनियरिंग अलग हो जाता है। तो SD1 पढ़ने के लिए ना कम से कम उससे पहले 8-10-12 घंटे की नींद बहुत जरूरी है। अरे क्या करोगे यार, मतलब ऐसी चीज ही है कि मतलब इसमें बहुत आड़े टेढ़े चीजें हैं कि एक एक चीज अभी हो गया। एंड देन अब देखो यहाँ पे अब बीजेपी कॉन्फ़िगरेशन है, आप देखो शो रन वीपीएन 10, वीपीएन 10 के अंदर बीजेपी कॉन्फ़िगरेशन किया। देखो यहाँ पे पॉलिसी लग गई, इन पे आउट पर लग गई पॉलिसी ना, अब यहाँ पे पहले नहीं था, तो अब इन पे जो पॉलिसी लगी है तो उस पे जैसे ही 114 का राउट आएगा, ठीक है एक सेकंड देना मुझे। सो 114 का जो राउट आएगा उसके लिए मैनिपुलेशन हो जाएगा, और जो आपका 13 के लिए आएगा राउट, 15 के लिए आएगा, 13 के लिए बेसिकली आउट में जब जाएगा मतलब यहां से यहां जाएगा तो उसके लिए यहां मैनिपुलेशन होगा। तो चलो एक एक करके चेक करते हैं, पहले इसका देखते हैं इस पे क्या हो रहा है। तो पहले का हमारा आउटपुट ये है 13 का, तो लेट मी सी कि क्या हो रहा है इस पे 13 पे। तो देखो आपका लोकल प्रेफरेंस चेंज हो गया यहाँ पे और AS पाथ प्रिपेंड भी हो गया यहाँ पे, दिख रहा है यहाँ पे। तो जो राउट मुझे मिल रहा है साइट 3 का, 13 साइट 3 का राउट है, तो पहले इस राउट पे मेरे पास सिंपल कुछ भी नहीं आ रहा था। मतलब यहाँ पे जाओगे तो देखो आउटपुट ही रहा है, इस राउट पे लोकल प्रेफरेंस 50 आ रहा था और AS पाथ कुछ भी नहीं आ रहा था, सिंपल आ रहा था। बट मैंने जब मैनिपुलेट किया तो अब देखो यहाँ पे आपका AS पाथ प्रिपेंड भी हो गया और साथ में आपका लोकल प्रेफरेंस भी चेंज हो गया। तो मतलब आपने जो राउट रिसीव किया यहाँ से OMP के थ्रू, OMP ने जब बीजेपी में डाला तो बीजेपी में डालने से पहले आपने उस पर एट्रीब्यूट सेट कर दिया। और अगर दो बीजेपी पेयर होता तो एक के साथ हो सकता था कि लोअर AS पाथ प्रिपेंड के साथ आता, दूसरे के साथ हायर आता, तो जिसके साथ लोअर AS पाथ होता वो आपका बेस्ट पाथ बन जाता और ट्रैफिक आपको उससे जाता, इस पॉइंट ऑफ व्यू से, लाइन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। ये तो हो गया आपका इनका। अब यहाँ का जो 114 राउट था ये इसको दिया, मतलब यहाँ से रिसीव जब हुआ था इन पे जैसे ही आया तो उससे पहले इसके पास क्या था, ये देखो VH5 पे जाओ आप, पहले जब राउट ये आ रहा था तो इसके पास बेसिकली कहाँ था, ये देखो 114 का ये राउट था, इस पे LP 100 आ रहा था और कोई एट्रीब्यूट लग नहीं था, मैंने इसको 200 किया था LP, तो जस्ट वेरीफाई कि 200 यहाँ पे हुआ कि नहीं हुआ। तो यहाँ पे मैं गया और देखो आपका LP भी चेंज हो गया था, इन पे भी चेंज हो गया और आउटपुट भी चेंज हो गया आपका। तो इस तरीके से आप बीजेपी को मैनिपुलेट कर सकते हो, आउटबाउंड इनबाउंड ट्रैफिक मैनिपुलेशन कर सकते हो, रिडिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हो और अपने हिसाब से एट्रीब्यूट कन्फिगर कर सकते हो। मोर इम्पोर्टेंट चीज कि आपको पॉलिसी बनाते वक्त आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी पॉलिसी लगाओ टेम्पलेट के अंदर तो आपको यहाँ पे बीजेपी के अंदर आपको पॉलिसी लगाने आना चाहिए। ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको जब भी पॉलिसी लगाना है तो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है कि आपको यहाँ पे एड्रेस फैमिली इनेबल करना है और कहाँ गया, यहाँ पे जब बीजेपी कन्फिगर करो यहाँ पे आपको एड्रेस फैमिली इनेबल करना है। जब तक इनेबल नहीं करोगे, अगर इसको आप डिसेबल कर दोगे तो आपके पास ये नीचे का ऑप्शन नहीं आएगा, तो आपको इनेबल करना है, देन आपको यहाँ पे बीजेपी मैनिपुलेशन करना है।
क्लियर ये? हाँ सर, ये तो क्लियर हो गया। ये तो सर बीजीपी जो नीचे से आ रही है वो है, जैसे सपोज हम यदि साइट टू में जाते हैं हाँ और साइट टू वाले में हमारे वीएच वन और वीएच टू है सर, है ना। अब इन दोनों में से हमें वीएच वन, जैसे सपोज वीएच वन बाय डिफॉल्ट एक्टिव है, ठीक है सर। अब पेन साइड के लिए हमें करना वीएच टू को एक्टिव और VH1 को स्टैंड बाय, वो वाला सिनेरियो भी सर अच्छा आएगा आगे। तो मैं बताता हूँ ना। हाँ जी, अब आपको करना है कि अब देखो समझो कि मतलब आप चाहते हो कि इस साइड से या इस साइड से या इस साइड से, जब आप इस पे जाओ तो आप हमेशा इधर से जाओ, ये चाहते हो आप? VH2 से मतलब जो जो एक्टिव है उसको स्टैंड बाय बनाना है। और तो मतलब अभी अभी तो ACMP हो रहा होगा, तो आप चाहते हो कि इधर से जाओ, VH2 से सारे पे फिर जाओ, राइट? हाँ जी, ये चाहते हो, ये चाहते हो ना आप? तो अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो, मान के चलो कि साइड थ्री पे VH इस पे है, ठीक है ना। अभी राउट को फॉलो करो 10.5.6 को, इसका देखो सबनेट यहाँ पीछे क्या है। चलो इसको स्टॉप करता हूँ रिकॉर्डिंग, ये बताता हूँ आपको इसको।